इंडिया आप तक समाचार कड़वा लेकिन सच। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। रेत का कारोबार, रेत यानी बालू, बालू का गैर कानूनी कारोबार काफी बार प्रयासों के बाद भी लगातार शुरू है। नदी पात्रों से गैर कानूनी तरीके से रेत ट्रैक्टर डंपर सभी से निकाले जाते हैं और बाद में कम ज्यादा मूल्य में उसको बेच दिया जाता है। बताया जाता है कि यहां पर ये जो रेत की चोरी होती है इसमें पुलिस और महसूल ये दोनों विभाग के कई कर्मचारी लिप्त है। उनकी सांठगांठ के बगैर ये सब कुछ संभव नहीं है, क्योंकि जब रेत की गाड़ी सामने से जाती है सड़क पर चलती है तो ना ट्रैफिक पुलिस वाला कोई कार्रवाई करता है, ना आरटीओ दफ्तर से कोई कार्रवाई होती है, ना महसूल विभाग की ओर से कुछ होता है, ना पुलिस वाले कोई कार्रवाई करते हैं। तो इसके बारे में अक्सर आवाज तो उठाई ही जाती है। अभी हाल ही में दीपक कुमार गुप्ता जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने एसपी के पास में कंप्लेन की तालुका पुलिस स्टेशन के कुछ कर्मचारियों के खिलाफ। आपको बताता चलूं कि तालुका पुलिस थाने में पहले भी ऐसी शिकायत हुई और पिछले एसपी थे उन्होंने तुरंत कार्रवाई करी थी, इमीडिएट कार्रवाई करके जांच बैठाई गई और सस्पेंड कर दिया गया था उन्हें। अभी फिर से दीपक कुमार गुप्ता ने शिकायत की है 3 कर्मचारियों के खिलाफ, अभिषेक पाटिल, राम इंगले और भूषण सपकाले। इन तीनों के बारे में दीपक कुमार गुप्ता ने शिकायत की है कि ये लोग रेत माफिया के साथ मिलकर वसूली का काम करते हैं। पिछले दिनों मेरे पास में तालुका पुलिस स्टेशन जलगांव उनके ना कुछ कर्मचारियों की हफ्तेखोरी की तकरार आई हुई थी, जो तकरार ना मुझे ना पोस्ट से मिली हुई थी, जिसमें किसी का नाम नहीं था, 99 तकरार थी। उसके बाद में कई नागरिकों ने मेरे पास में तकरार नोन करी थी, जिसके बाद मैंने ईमेल से वो तकरार फॉरवर्ड करते हुए संबंधित कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई करने की मांग की थी, जिसके अनुसार मुझे अभी माननीय DISP संदीप गावित जलगांव ने बताया हुआ है कि आपकी तकरार पर हमने ना नोटिस जारी किया हुआ है, शोकॉज नोटिस संबंधित कर्मचारियों को, और नोटिस आने के जवाब आने के बाद में दोषी पाए जाने पर योग्य कायदेशी कार्रवाई की जाएगी। वसूली का काम करते हैं। इस संबंध में मैंने भी जब थोड़ी सी जांच पड़ताल की तो अब एक वीडियो भी मेरे पास आने वाला है जिसमें ये लोग पैसे की बात करते हुए सामने आ सकते हैं। इन सभी का वीडियो भी जल्दी बाहर आ सकता है। दीपक कुमार गुप्ता जो है वो वीडियो वगैरह भी बनाने में काफी माहिर है। सूत्रों से जो जानकारी मिली है ये लोग अपने नाम पर नहीं बल्कि किसी दूसरे मोबाइल नंबर, ये मोबाइल नंबर भी आने वाला है, मोबाइल नंबर भी मिल जाएगा, सभी कुछ जो है वो एसपी साहब के पास पहुंच जाएगा। मोबाइल नंबर किसी दूसरे के नाम पे रहता है, अगर उसको ट्रैक किया जाए, अगर उसके बारे में जानकारी निकाली जाए तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये सभी लोग लिप्त हैं गैरकानूनी रेत के कारोबार में। ये लोग वसूली करते हैं या फिर इनका भी ट्रैक्टर डंपर उनके साथ चलता है। एसपी साहब कब कार्यवाही करेंगे, महसूल के जिलाधिकारी कब कार्यवाही करेंगे, ये समझ में नहीं आ रहा है। रेत माफिया जो है वो महसूल के अधिकारियों पर, कलेक्टर जैसी हस्ती पर हमला करने की क्षमता रखते हैं, तहसीलदार पर हमला कर देते हैं, रेसिडेंशियल कलेक्टर जो यहाँ के हैं उन पर कार्रवाइयां हो जाती है, उनके साथ मारपीट हो जाती है, हमला कर दिया जाता है। ऐसा कैसे है, इतनी ताकत बढ़ गई है इन माफियाओं की, और अगर इनकी ताकत बढ़ी है तो इसमें कहीं ना कहीं पुलिस की मिली भगत 100% है। पुलिस की मिली भगत अक्सर साबित भी हो जाती है, कई बार कार्रवाइयां भी होती है। अभी देखना है कि अभिषेक पाटिल, राम इंगले, भूषण सपकाले, इन सबके नाम जो दिए गए हैं दीपक कुमार गुप्ता की ओर से, उनके ऊपर क्या कार्रवाई होती है। आशा है कि जल्द ही कार्रवाई जरूर होगी। जय हिंद। गहने जो सजाए हसीन लम्हों को, हजारों डिजाइन्स जो बने मुस्कुराहट की वजह, विरासत जो जगाए हर मन में विश्वास, रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है।